नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी आज जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे सभी पार्टी अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए एवं विधानसभा में अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रही है। कहीं पर कोई पार्टी ब्राह्मण का वोट बैंक कर रही है तो कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से पार्टियों ने अपना प्रदर्शन करना शुरू किया है। वहीं जहां उत्तर प्रदेश में दो मुख्य पार्टियां सपा और भाजपा कांटे की टक्कर पर चुनाव लड़ रही है तो तमाम कदवार नेता बसपा और कांग्रेस के साथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर सुरक्षित विधानसभा की, जहां चुनाव लड़ने के लिए बलरामपुर में सपा महिला सपा की जिला उपाध्यक्ष शिल्पा राज भी मैदान में है। यह अनुसूचित जाति समुदाय की है लेकिन इनकी शादी एक ब्राह्मण दुर्गेश दुबे से हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं यदि समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है तो पार्टी व समुदाय के वोट के अलावा ब्राह्मण का भी वोट इन्हें मिलेगा। आइए सीधे बात करते हैं समाजवादी पार्टी बलरामपुर से जिला उपाध्यक्ष महिला सभा की शिल्पा राज से। हम स्वागत करते हैं शिल्पा राज जी का हमारे प्राइम टीवी शो पर। तो शिल्पा जी, आप ये बताइए कि किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी आपकी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारी विकास की रणनीति आपके ले लीजिए, उसने भी हमारे किसानों को सरेआम सड़कों पे रौंदा गया है और हमारी महिलाओं पे भी अत्याचार इस सरकार में बढ़े हैं। महिलाएं अब इतना भयभीत हो गई हैं कि वो अपने घर से तक बाहर निकलना नहीं उचित समझती हैं। और शिक्षा में भी हमारा देश दिन प्रतिदिन पीछे होता जा रहा है। हमारे नौजवान, उनको कोई रोजगार नहीं मिला, बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं। जी शिल्पा जी, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में उतरने वाली हैं? जी, मेरा महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, रोजगार, शिक्षा में रोज नए अवसर जी। और शिल्पा जी ये बताइए कि एक महिला होने के नाते अगर राजनीति में क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? जी, चुनौतियों का तो काफी हद तक सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है और आशा करती हूँ कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी हमें सम्मान देंगे। शिल्पा जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौजूदा सरकार में हाल ही में महिला पे के जो अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उस पे क्या कुछ कहना है आपका? जी, यूपी तो महिला अपराध में नंबर वन पे है। चाहे आप हाथरस की ही देख लीजिए दुर्घटना, चाहे कानपुर का ही देख लीजिए, हर जगह महिलाओं पे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप विधानसभा, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, अगर आप विधानसभा चुनाव जीतती हैं तब आपकी क्या रणनीति रहेगी महिलाओं को लेकर? जी, महिला सुरक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था सुधारना और भ्रष्टाचार को कम करना, और जो महिलाएं आज हमारी पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था। हाल ही में आज अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा का जो शुभारंभ किया है, वो किस तरीके से उसके चलते आप क्या कुछ कहेंगी? क्या विजय रथ यात्रा से सपा को अपने उम्मीदवार, जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव की कयास लगाए बैठी है, तो क्या विजय रथ यात्रा सपा के लिए एक अच्छा वरदान साबित होगा या नहीं? जी बिल्कुल, हमारी सरकार 400 के ऊपर सीट पाएगी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगामी 2022 में भारी सीटों से मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अभी हमने सपा की जिला, अभी हमारे चल
शिल्पा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आगे की जानकारी के लिए। तो शिल्पा जी, जिस तरीके से अभी प्रियंका गांधी जिस तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही हैं कांग्रेस में, अपना वो प्रदर्शन, अपना जिस तरीके से उन्होंने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि सपा में भी इस तरीके से आप अपना परचम लहरा पाएंगी, आप महिलाओं को एक अच्छी वो दिलवा पाएंगी? जी बिल्कुल, हम लोग महिलाएं हैं, अत्याचार हुआ है महिलाओं पे यूपी में, तो हम लोग महिलाएं एकजुट होकर तो आने वाले 2022 में इस जुमलेबाज सरकार को हार फेंकेंगे। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से क्या लगता है कि सपा को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? जी शिल्पा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शिल्पा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? इस वक्त हमारे साथ सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष शिल्पा राज हमारे साथ मौजूद हैं, जो सपा से संबंधित मुद्दों पे हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने बताया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो अपनी दावेदारी मजबूत करने वाली हैं और बलरामपुर सीट से वो आगे के लिए वो अपना परचम लहराने के लिए कयास लगा रही हैं। अगर और हम आपको बताते कि सपा महिला सभा से ये हैं शिल्पा राज, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। शिल्पा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शिल्पा जी, लग रहा है शिल्पा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभी वो हमारी आवाज शायद नहीं सुन पा रही हैं। फिलहाल उनसे हमने बहुत अच्छी बातचीत अभी की है, उन्होंने अपने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने दावेदारी मजबूत करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो महिलाओं से संबंधित जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार और जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस पर वो विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसी पे वो काम करने के लिए आगे उन्होंने अपनी रणनीति बना रखी है। इसी के चलते वो अपने दावेदारी को मजबूत करेंगी और अगर वो इस तरीके से उसमें चुनाव जीत जाती हैं तो उस पर भी वो आगे इसी पे ही विशेष रूप से महिलाओं पर काम करने के लिए उन्होंने बात कही है। प्राइम टीवी की इस खास खबर में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।